नमस्कार प्राइम शतक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और चलिए अब रुक करते हैं देश दुनिया से जुड़ी 100 खबरों पर। कल्याण सिंह की हालत स्थिर, एसजीपीजीआई में सभी पैरामीटर पर हो रही क्लोज मॉनिटरिंग। मंदिर के पास होर्डिंग पर सीएम पिनराई विजयन को बताया गया केरल का भगवान, लोगों ने उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक नक्सली की हुई मौत। पेगासस जासूसी मामले में कोर्ट की निगरानी में एसआईटी की जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सीपीएम सांसद। दुनिया भर में सबसे ज्यादा भारतीयों के साथ हुआ साइबर फ्रॉड, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। कोरोना वायरस ने फिर बढ़ाई टेंशन, महाराष्ट्र और केरला में सामने आए सबसे ज्यादा केस। महाराष्ट्र के वर्ली में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की लिफ्ट गिरी, 5 लोगों की हुई मौत, 1 घायल। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने बोला 2030 तक पार्किंसंस डिजीज के रोगियों में आएगी 200 से 300 फीसदी की वृद्धि। कोरोना वायरस के नए म्यूटेंट से दुनिया भर में चिंता, डेल्टा 3 वेरिएंट को लेकर भारत में भी अलर्ट। असम में दुष्कर्म के अलग अलग मामलों में एक मस्जिद के इमाम और मंदिर का पुजारी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस विधायक के काफिले पर देर रात हमला, विधायक सुरक्षित, फॉलो वाहन के शीशे पर लगा पत्थर। जेपी नड्डा बोले बाढ़ और बारिश से प्रभावितों की मदद करें गोवा के भाजपा कार्यकर्ता। एनसीपीसीआर के नए अध्ययन में दावा, 10 साल में 37.8% बच्चे फेसबुक पर सक्रिय। भारत ने G20 देशों से नुकसानदायक गैसों के उत्सर्जन को कम करने का किया अनुरोध। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में श्रावण का उल्लास हुआ शुरू, प्रतिदिन 5,000 भक्तों को होंगे दर्शन। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी, नोएडा में 50 से अधिक बेड वाले अस्पताल में लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट। फूलन देवी की प्रतिमा का अनावरण करने आ रहे थे बिहार के मंत्री, उन्नाव पुलिस ने रुकवाया कार्यक्रम। राजकुंद्रा की पोर्नोग्राफी मामले में कानपुर का कनेक्शन, पोर्न फिल्मों की कमाई 2 बैंकों में होती थी जमा। सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ के अध्यक्ष बने सुनील कुमार द्विवेदी, महासचिव बने ब्रजेश कुमार। यूपी के सभी जिलों में स्वतंत्रता दिवस से मिलेगी फ्री वाईफाई की सुविधा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने हॉटस्पॉट चिन्हित करने के दिए निर्देश।
फोर्ब्स इंडिया के कवर पेज पर छाए यूपी औरैया के पीयूष द्विवेदी वोकल फॉर लोकल पर है फोकस। आठ लेन के लिंक से जुड़ेंगे गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जल्द शुरू होगी निर्माण प्रक्रिया। श्रावण मास के लिए तैयार मथुरा का द्वारिकाधीश मंदिर, बिना मास्क के श्रद्धालुओं पर रहेगी पाबंदी। अंबेडकर नगर में करोड़ों की भूमि का सौदा करने के बाद युवक की मौत, अंगूठे पर मिले स्याही के निशान। सीतापुर में डबल मर्डर से फैली सनसनी, धड़ से अलग मिला महिला का शव, खून से लथपथ मिला युवक का शव। सुल्तानपुर में चाकुओं से गोद कर युवक की हत्या, पेट में मिले जख्म के निशान, नहर किनारे मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। वाराणसी में फुलवरिया फोर लेन आरओबी का हुआ टेंडर, काम खत्म करने की समय सीमा भी की गई तय। वाराणसी में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को लगा झटका, 29 सदस्य कांग्रेस में हुए शामिल। वाराणसी में साइंस सिटी के एमडी सहित अन्य के खिलाफ बीएचयू के अध्यापक ने दर्ज कराया मुकदमा। बिहार से लौट रही थी बारात, रामपुर में हुआ उस वक्त दर्दनाक हादसा, दूल्हा दुल्हन समेत 6 की मौत। अलीगढ़ में पानी की पाइपलाइन हुई खराब, नल से निकला गंदा पानी, गंदा पानी पीने के लिए लोग हुए मजबूर। औरैया में चोरों के हौसले हुए बुलंद, लाखों रुपए ले उड़े चोर, चोरी की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। औरैया में एम्बुलेंस कर्मचारियों का प्रदर्शन, नई कंपनी की बागडोर मिलने पर किया धरना प्रदर्शन। औरैया में तालाब में नहाने गए बच्चे डूबे, जानकारी के बाद पहुंचे परिजनों ने बच्चे को बाहर निकाला। बुलंदशहर में शातिर चोर गिरोह का हुआ पर्दाफाश, पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार, चोरों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। फिरोजाबाद में लुटेरों के खिलाफ अभियान जारी, पुलिस ने 5 लुटेरों को पकड़ा, लुटेरों के पास से भारी मात्रा में तमंचा और कारतूस बरामद। जौनपुर में बीजेपी में शामिल होने पर कृपा शंकर हुए खुश, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कानपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहर खुरानी गैंग के सदस्य किए गए गिरफ्तार। रायबरेली में अस्पताल के निरीक्षण से मचा हड़कंप, डीएम ने किया मौके पर निरीक्षण, स्वास्थ्य विभाग के रजिस्टर किए चेक। रामपुर में तेज रफ्तार का कहर, गाड़ियों की टक्कर में 4 की मौत, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाहजहांपुर के मंदिरों में दिखा कोरोना का असर, पौराणिक मंदिर में पसरा सन्नाटा।
सीतापुर में घाघरा नदी का बढ़ा जल स्तर, प्राथमिक विद्यालय में भरा बाढ़ का पानी। सुल्तानपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी सिपाही, सिपाही ने लोगों को दिखाया था रौब, सिपाही के पास से आईडी कार्ड के साथ अवैध तमंचा बरामद। सुल्तानपुर में पुलिस ने किया लूट और हत्या का खुलासा, अवैध तमंचे के साथ आरोपी गिरफ्तार। औरैया में अज्ञात वाहन ने साइकिल को मारी टक्कर, साइकिल सवार की मौके पर हुई मौत। बुलंदशहर में पूर्व जिलाध्यक्ष ने लगाया आप नेताओं पर आरोप, महिलाओं के साथ कार्यकर्ताओं ने की बदसलूकी। हमीरपुर में पारिवारिक कलह के चलते हुई हत्या, एक युवक का अस्पताल में इलाज जारी। आगरा में अज्ञात लोगों ने मासूम की बलि दी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में नशे में धुत मिला पोस्टमैन, नशे की हालत में पोस्टमैन का वीडियो हुआ वायरल। गाजीपुर डीएम ने नवनिर्मित राजकीय मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण, 30 जुलाई को पीएम मोदी कॉलेज का करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। बुलंदशहर में पुलिस द्वारा धाराओं में किया गया खेल, पीड़ितों ने शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। बुलंदशहर में किक बॉक्सिंग में हिमांशु उपाध्याय की जीत, महाराष्ट्र के प्रत्यामेश कांजले को हराया। हमीरपुर में अधेड़ व्यक्ति की हुई हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जौनपुर में भाजपा नेता के घर आयकर विभाग का छापा, आयकर टीम ने कई पेपर के साथ कंप्यूटर का हार्ड डिस्क कब्जे में लिए। कानपुर देहात में महिला कांस्टेबल ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटे पुलिस। कौशाम्बी में बारिश की वजह से लोगों को हो रही परेशानी, शिकायत के बाद भी नहीं कर रहा कोई भी सुनवाई। लखनऊ एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ जवानों द्वारा किया गया वृक्षारोपण कार्यक्रम, कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के जल मंत्री ने लिया हिस्सा। रायबरेली में कार और बाइक में हुई जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, चालक मौके से फरार। सीतापुर में डकैतों ने किया जमकर तांडव, महिला को तारा मौत के घाट, तीन लोग गंभीर रूप से हुए घायल। शाहजहांपुर में मेंथा प्लांट पर हुआ दर्दनाक हादसा, दो लोगों की जहरीली गैस से हुई मौत, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सुल्तानपुर में हत्या का सनसनीखेज मामला आया सामने, युवक का शव देख गांव में मचा हड़कंप, मामले की जांच में जुटे पुलिस। रायबरेली में ठेकेदारों की मनमानी और छटनी के विरोध में एम्बुलेंस चालकों ने किया चक्का जाम, कंपनी पर अवैध वसूली का लगाया आरोप।
चमोली में नगर पंचायत अध्यक्ष ने लगाई झाड़ू, हड़ताल पर चल रहे हैं इस वक्त सफाई कर्मचारी। हरिद्वार में शराब की दुकान पर एसडीएम का छापा, ज्यादा दामों पर बेची जा रही थी शराब। नैनीताल में डीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश, पीड़ितों की समस्याओं का जल्द हो समाधान। ब्रिटेन में लॉकडाउन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे 6 लोग हुए गिरफ्तार, 4 पुलिसकर्मी हुए घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अफगान राष्ट्रपति गनी से फोन पर की बात, कहा अमेरिका करता रहेगा मदद। ट्रंप ने की बाइडेन प्रशासन की आलोचना, कहा कोरोना वायरस सीमा सुरक्षा और ऊर्जा नीति में गलत तरीके से हुआ काम। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर कश्मीर को लेकर नीति बदलने का विपक्ष दल पीएमएलएन ने लगाया आरोप। तालिबान के साथ जारी लड़ाई के बीच अफगानिस्तान से लगती सीमा पर पाक ने तैनात किए सेना। अफगान सेना की तालिबान पर बड़ी एयर स्ट्राइक, 33 तालिबानी आतंकी ढेर, 17 आतंकी हुए घायल। पाक ने चीन में उठाया कश्मीर मुद्दा, आतंकी हमले की जांच मिलकर करेंगे दोनों देश, द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर बनी सहमति। चीन ने जवाबी कार्यवाही के तहत कई अमेरिकी अधिकारियों और संस्थानों पर लगाए प्रतिबंध। बाइडेन ने अफगान शरणार्थियों के लिए जारी किया सहायता राशि, आपातकालीन कोष से दिए 10 करोड़ डॉलर। ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग, सिडनी के लिए अतिरिक्त वैक्सीन को मंजूरी। कोरोना के बीच अमेरिका में आई नई मुसीबत, लाइलाज कैंडिडा आउरिस के मामलों ने डराया। अफगानिस्तान में खतरनाक हालातों के बीच भारतीय दूतावास ने नागरिकों के लिए जारी किया सुरक्षा परामर्श। फ्रांस की संसद में आतंक से मुकाबले के लिए 2 बिल किए गए पास, मस्जिद जैसे धार्मिक स्थलों पर सख्ती, अगले राष्ट्रपति चुनाव के पहले सुरक्षा की तैयारी। यूएस की नजर में एस्ट्रोनॉट नहीं है अंतरिक्ष यात्रा करने वाले जेफ बोनेस और रिचर्ड ब्रेसन। अफगान मुद्दे को लेकर अमेरिका जा सकती है पाकिस्तानी एनएसए और आईएसआई चीफ। तालिबान की बढ़ती ताकत से रूस चौकन्ना, तजाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर टैंक और हथियार भेजे। फाइजर की कोविड वैक्सीन के 2 खुराकों के बीच लंबे अंतर से बढ़ रही एंटीबॉडी, ब्रिटिश अनुसंधानकर्ताओं ने किया रिसर्च में दावा। इमरान खान ने फिर छेड़ा कश्मीर का राग, बोले पाकिस्तान के साथ आने या आजाद मुल्क रहने का फैसला खुद करेंगे कश्मीरी।
जासूसी के आरोपों पर इजरायली कंपनी एनएसओ का पलटवार, बोली पेगासस के कारण लाखों लोग सुरक्षित। मेडागास्कर के राष्ट्रपति को जान से मारने की साजिश, फ्रांसीसी नागरिक सहित 6 गिरफ्तार। मीराबाई चानू ने भारत को दिलाया पहला मेडल, वेटलिफ्टिंग में सिल्वर जीता, शूटिंग में सौरभ चौधरी 7वें स्थान पर रहे। टोक्यो ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल्स में पदक की रेस से बाहर हुई मनु और यशस्वी। जेमिमा रोड्रिक्स ने 100 में खेली धुआंधार पारी, 92 रन बनाकर सुपर चार्जर्स को दिलाई जीत। श्रीलंकाई दिग्गज ने बताया स्पेशल खिलाड़ी, टीम इंडिया को दी खास नसीहत। इंग्लैंड में क्रिकेट टूर्नामेंट द 100 में अब्ताहा मकसूद, महिला क्रिकेटर ने पेश की अनोखी मिसाल, हिजाब पहनकर की बॉलिंग। आईसीआईसीआई बैंक को अप्रैल से जून के दौरान 4,616 करोड़ रुपए का मुनाफा, ब्याज से 10,936 करोड़ रुपए की कमाई। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने 28% किया महंगाई भत्ता। यमुनापार, नोएडा, ग्रेटर नोएडा सहित दिल्ली के कई इलाकों को डीएमआरसी देने जा रही है बड़ी सौगात। फ्लिपकार्ट पर शाओमी रियलमी के टीवी पर मिलेगा 10% का डिस्काउंट। होंडा अमेज फेसलिफ्ट की बुकिंग हुई शुरू, 17 अगस्त को होगी लॉन्च। सलमान खान नहीं, करण जौहर करेंगे कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस का अगला सीजन होस्ट, मेकर्स लेकर आए सबसे बड़ा ट्विस्ट। अमेजन प्राइम पर 14 अगस्त को गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 4 भाषाओं में होगी रिलीज, पैंडेमिक में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बनी है फिल्म। प्रभास ने अमिताभ बच्चन के साथ शुरू की नाग अश्विन की साइंस फिक्शन फिल्म की शूटिंग, फिल्म में प्रभास के साथ अमिताभ बच्चन भी लीड रोल में आएंगे नजर। डायरेक्टर करण मल्होत्रा ने किया ऐलान, फिल्म शमशेरा को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं करेंगे रिलीज। महेश बाबू ने ठुकराया ऋतिक रोशन स्टारर रामायण का ऑफर, मधु मंटेन और नितेश तिवारी ने अगले साल 2022 के मध्य में रामायण की शूटिंग करेंगे शुरू। और इसी के साथ प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।